नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने रामनगर कॉलोनी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, दो आरोपियों को किया काबू। सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला तेलिया में एक घर में गैस लीक होने से लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया हुई संपन्न, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने मत का किया प्रयोग। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की जब गत दिनों रामनगर कॉलोनी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी मेहताब सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को 48 घंटों में सुलझाया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेकरी का ठेकेदार विकास, जो कि बेकरी में ही रहता है, वह उनके घर रामनगर कॉलोनी में उनके बेटे सौरभ सोडी को मिलने आया था। दोनों नीचे खाना खा रहे थे। इस दौरान सौरभ ने उसे कुछ सामान मंगवाने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनने के बाद चश्मदीद नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसके सामने चार नौजवान व्यक्ति मुंह बांधे खड़े हैं, जिनमें से एक के हाथ में दातर थी, एक के हाथ में पिस्तौल, जबकि दो लोगों के हाथ खाली थे, जिनमें पिस्तौल वाले व्यक्ति ने उसके सामने ही उसके बेटे सौरभ को गोली मार दी, जो उसकी छाती में लगी, जिसके बाद उसे उपचार हेतु अमनदीप अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सागर और अमरदीप सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एक्टिवा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके और इनके बाकी के 3 साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शामी 10:15 रामनगर कॉलोनी इस्लामाबाद दे विच एक मर्डर होया सी। सौरभ सोडी नाम दे इस जिहड़ा भी नाम करदा सी ते इन्हां दी बेकरी भी सी। ते इस मर्डर तो बाद साडे मानयोग सीपी साहब उन्होंने एक साडे एडीसीपी सिटी दे अंडर सुपरविजन दे विच इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई सी, साडे डीसीपी सेंट्रल, साढ़े सी ए इंचार्ज, SHO चाटा ते SHO इस्लामाबाद सीगे, नाल ASI राजकुमार ते कॉन्सटेबल अंकुश मीणा नाल काम कर रहे सी। ते इन्हां ने जिहड़ा इह ब्लाइंड मर्डर हैगा इहनूं 48 घंटे दे विच ट्रेस कीता हैगा। इहदे विच जिहड़े टोटल साढ़े 5 दोषी नामजद हैगे, इन्हां दे नाम हैगे ने सागर उर्फ टौला, अमरदीप सिंह उर्फ रोमी, अवतार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, रोहित उर्फ बब्बो, ते तीजा नाम नूं उहदा कच्चा नाम बामण हैगा। ते इन्हां दे विचों जिहड़ा 2 जणां नूं असीं अरैसट कर लिया हैगा, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਢੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਰਚੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਬਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4 ਜਣੇ ਰੋਬਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਇਸ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੋਬਰੀ ਕਰਨ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਬੈਠ। जिला कपूरथला के अधीन आते सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला तेलिया में एक घर में सिलेंडर में से गैस लीक होने के कारण भीषण आग लगी, जिस कारण आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस आग जनी के कारण एक महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसे उपचार हेतु सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान घर में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। भी घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। इस दौरान पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं जी रजिंदर कुमार सोता सुल्तानपुर तो बोल रहा, साढ़े नज़दीक ही साढ़े गुआढ़ी है, अचानक गैस सिलेंडर लीक होने की वजह का पता लगा, पर अचानक अग लग गई और बहुत ज़्यादा नुकसान होया। गरीब बंदे आ, मैं प्रशासन तो मांग करता कि उन्होंने गरीब बंद की मदद की जाए। ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ।
सारे पुलिस प्रशासन भी सारा आया जी, चंगी तरह उन्हें सारा ध्यान देखा। सर मैं ड्राइवर पवनदीप सिंह, सानू कमेटी मार्केट कमेटी तो फोन आया सी कि सदर बाजार झटकाइया वाले बाजार अग लगी है, तो अं मौके पर पहुँच के घटो तकरीबन 12:30 बजे फोन आया ही, तो अं मौके पर पहुँच के अग से काबू पा लिया। अद्धे घंटे के बीच अं अग कंट्रोल कर लिया। कि गड्डिया लगिया पानी की अग से काबू पाने ली? एक गड्डी तो नाल मतलब सिलेंडर अग सी, अं सिलेंडर की अग जी CO2 के नाल बुझा। जालंधर उपचुनावों को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रही। जालंधर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आते 9 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित 16,21,759 वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रहे 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदाताओं में 8,44,904 पुरुष और 7,76,855 महिलाएं वोटर हैं, जबकि 41 थर्ड जेंडर वोटर हैं। 13 मई को वोटों की गिनती के बाद चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने अपने परिवार सहित मतदान कर अपनी वोट का इस्तेमाल किया। इस दौरान सुशील रिंकू ने कहा कि सभी लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाली। इस मौके पर रमन अरोड़ा ने कहा कि मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के तहत पूर्व सांसद स्वर्गीय संतोष सिंह चौधरी की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद था। इसी के चलते राज्यसभा सदस्य और वातावरण प्रेमी संत सीचेवाल ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। गौरतलब रहे कि गांव सीचेवाल में एक बूथ लगाकर मिसाल कायम की गई है। वोट डालने के बाद संत सीचेवाल ने कहा कि जो हमें वोट डालने का अधिकार मिला है उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के आधार पर लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं। इसी तरह विधायक शीतल अंगुराल ने भी अपने परिवार सहित मतदान कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि जालंधर लोकसभा उपचुनावों में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने भी वोट डालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने चुनाव बूथ पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोग मोदी सरकार की नीतियों से खुश हैं और इन चुनावों में लोग उनका साथ देंगे। तो वहीं जालंधर लोकसभा उपचुनावों के चलते दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने भी परिवार सहित वोट डालकर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनके साथ दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विच, संयुक्त संपादक अभिषेक विच, नेहा विच, रुचि विच भी मौजूद रहे। ये गल कर चुका कि प्रायोरिटीज़ है जलंधर दे विच 3-4 काम बड़े बड़े है। जलंधर दा एयरपोर्ट बंद पिया, जलंधर दी सड़कां खराब है, जलंधर दे विच जिहड़े स्मार्ट सिटी दे जिहड़े काम है वह रुके पे है। इन्हां सारयां नूं शुरू करना जिहड़ी है मेरी प्रायोरिटी होएगी। पर तुसीं समझदे हो अज जिहड़े जलंधर दे लोक वोट पाउण जा रहे ने इहदे नाल कित्थे ना कित्थे पंजाब दा सियासी मौसम की होएगा वह तय होएगा, पूरे पंजाब दा सियासी मौसम? देखो हजे चोणां दूर है, 24 हजे साल पिया, 27 हजे दूर है, तो मैं समझदा कि लोग जिहड़े है मन बना चुके हैं। एक महीने की जिस तरीके असी कैंपेन चलाई है श्री अरविंद केजरीवाल साहब, सरदार भगवंत मान साहब, जिहड़े हर गली गली जिन्होंने जाके पिंड पिंड जाके जिन्होंने कंपेन की है, लोगों का मन बनया हुआ। लोग आम आदमी पार्टी है जिहड़ा लोक सभा दे विच भी लैके जाना चाहते। बूथ तो हजे मैं विजिट करने ने क्योंकि मेरा मैं जलंधर तो अपना वोट कास्ट करने लिए आई हूँ, इतने फिलौर मेरी वोट इतने सीगी और मैं रात भर तो ही और पिछले कुछ दिनों तो बहुत उत्साह देख रही हैं सारे लोगों के बीच, और खास तौर पर जिस तरह जिमनी चोन बारे थोड़ा एक इंप्रेशन बनया हुआ कि लोग घट इंटरेस्ट लेंदे हैं, इतने बिल्कुल इसके उलट मैंने देखा, लोग बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लै रहे हैं और हर वर्ग लै रहे हैं। बिल्कुल बेशक चौधरी साहब की कमी तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उन्होंने जिन्ना सपोर्ट मैं देखा है अपनी कैंपेन के दौरान, मैं पूरा विश्वास है कि जलंधर वासी मैं अपना स्नेह अपनी सपोर्ट देंगे ताकि मैं उन्होंने जो इच्छावान ने उन्होंने जोड़े मसाइल ने या उन्होंने मेरे प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो मैं पूरी उतर सकता।
बहुत अच्छा नतीजा आएगा और कांग्रेस पार्टी इस चोन बहुत अच्छे मार्जिन में जीते। समूह लीडरशिप कांग्रेस इतने बिल्कुल जाना लगातार एक मिनट लगी रही और काफ़ी किस तरह लग रही होगी बीजेपी या आम आदमी पार्टी किस तरह टक्कर होगी? जिद्दा दे रुझान ने कांग्रेस के नेड़े तेड़े कोई पार्टी दिख नहीं रही और बहुत लोग साइलेंट बैठे ने और जो भी लोग साइलेंट बैठते ने वह जी सरकार होंदिया ने उन्होंने खिलाफ़ भुगतते हैं और चौधरी साहब दे किते कम चौधरी साहब का जो इलाके दे नाल प्यार सी जिहड़ी सांझ सी अज चौधरी साहब नहीं रहे पर अज इलाके दे लोग उन्होंने याद कर रहे हैं और इस इलेक्शन दे नतीजे इस इलेक्शन दी कांग्रेस पार्टी दी परफॉर्मेंस चौधरी साहब नूं समर्पित है। यह लोकतंत्र दे विच भारत दे संविधान अनुसार जिहड़ा सानूं वोट दा हक मिलिया कि असीं अपनी अपना एम एल ए अपना एम पी जिहड़ा है अपना सरपंच सरपंच इस वोट दे नाल चुन सकते हैं लोग अपने अपनी सरकार आप चुन सकते हैं उस वोट का अधिकार सानू सारे नू करना चाहिए वोट के अधिकार के नाल ही असी जिहड़ा है अपनी मर्जी की सरकार बना सकते हैं असी वोट पा के इस करके वोट पा के शाहकोट के मुद्दे जिहड़े हैगे सब तो वड्डा असी जिहड़ा लंबे समय तो इस मुद्दे नू उभारदे आए हैं हुण भी सारियां पोलीटिकल पार्टियां मोहरे भी रख्या सरकार मोहरे भी रख्या मुख्यमंत्री तिकर भी रख्या सारे जिन्हें भी साढ़े को आए सारे कि शाहकोट इलाका दो बन्नों तो मार चल रहा है एक तो बुढ़े दरिया का जोड़ा गंदा पानी है वो शाह फलोर तो लैके नकोदर शाहकोट लोहिया तिकर मार कर रहा दूसरे चिट्टी बई जी है वह प्रदूषित पानी वो आ रहा सो दुआबा जोड़े हैगी पानी मुकते जा रहे पानी सुकते जा रहे तो साड़ी कोशिश सरकार मोहरे प्रशासन मोहरे पोलीटिकल पार्टियां मोहरे रही है कि दुआबे जे जड़ा है दे पानी नू सथर रखना तो इन्हों चिट्टी बई दे विच भी एक पानी छड़िया जाए जिहड़ा कि उहदा उद्घाटन हो गया इस तरह काला सिंह ड्रेन दे विच 300 क्यूसक पानी छड़न वास्ते सरकार ने वादा किया जुड़े है वो जो लोग हंकारी सी जो लोग समझते हैं अपने कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते अपने कार्यकर्ता के पिछे वोट मंगने भी नहीं आए जो लोग ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਹਜੇ ਕੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੁਰਦਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ
मैं लोगों को यह दसन च कामयाब हो चुका है कि सानू मैंबर पार्लीमेंट वो चाहिए जेड़ा साडा चौकीदार बने, साडा सेवादार बने, साडा होका दवे, साडी आवाज़ बने उत्थे जाके। अमृतसर बस स्टैंड के पास सिटी सेंटर में एक बस को आग लग गई, जिस कारण बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस स्टैंड चौकी के पुलिस अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ये बस पिछले 3-4 वर्षों से प्रिंस ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर लगी हुई थी और इसके पास काफी कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, जिसे किसी ने आग लगा दी। हवा का रुख बस की तरफ होने की वजह से बस को भी आग लग गई और कुछ ही पलों में बस जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके चलते आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक ना 3-4 साल तक चौधरी प्रिंस ट्रांसपोर्ट की बस कंडम है, 3-4 साल तो इतने खड़ी सी, तो इतने लागे कूड़े के ढेर लगे काफ़ी ज्यादा। वो किसी ने कूड़े अग लाई तो कूड़े हवा का रुख शायद हवा इधरों हो गया, वो बस में भी लग गई। नाल बस प्लास्टिक सीटा वगैरह होंगे, फोम होंगी, वो अग फट गई तो अग वे भी लग गई सीटा वगैरह भी। तो बस कंडम आ, कोई नुकसान नहीं होया। उस वे फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लिया गया वा, तो अग बुझाती गई बिल्कुल सीधी कंट्रोल हेठ। नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं गया। जीरा के तलवंडी रोड पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में खेतीबाड़ी विभाग के उच्चाधिकारियों और जीरा क्षेत्र में पेस्टिसाइड का काम करने वाले डीलरों की एक विशेष मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बड़ी संख्या में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का काम करने वाले डीलर शामिल हुए। इस दौरान खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी तेजपाल सिंह ने पत्रकारों से इस मीटिंग संबंधी जानकारी भी साझा की। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की। आज जिला फिरोजपुर दे विशेष करके दो ब्लॉक मखू और जीरा, इन्हां दे विच खादा बीजा ते नदीन नाशक दवाइया का कारोबार करने वाले डीलर साहबान, इन्हां जो सरकार वालों हदायत उन्होंने असी जाणू करवाउण वास्ते आए सां, क्योंकि विशेष तौर पर सरकार ने फिरोजपुर जिले में बासमती की खेती वास्ते चुनिया। तो उहदे विच जो कारण हो सकते हैं वी बासमती होर वधिया क्वालिटी की होवे, तो उहदे विच किहड़े जहर वरतने आ किहड़े नहीं वरतने, तो उहदे नाल ये सारे साथी जिहड़े ना संबंध रखते हैं। तो महकमे वालों एक रिमाइंड करवाउण वास्ते भई किसान साडा अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो किसान की आर्थिक हालत वह भी सोहनी होवे, तो किसान जो भी प्रोड्यूस करता, क्योंकि असी सारे उसनू खांदे आ, तो असी भी इस पक्षों सेहतमंद समाज सेहतमंद होवे। तो इस ध्यान दे नाल ये सारी जिहड़ी मीटिंग है अज खेतीबाड़ी विभाग। जीरा पुलिस की ओर से डीएसपी जीरा पलविंदर सिंह की अगुवाई में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च थाना सिटी जीरा से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए क्लॉक टावर चौक में समाप्त हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा पलविंदर सिंह ने कहा कि जालंधर उपचुनावों के चलते पूरे पंजाब में डीजीपी पंजाब की ओर से पंजाब पुलिस को जारी किए आदेशों के मद्देनजर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। दो पार्ट है गया। डीजी साहब ने स्पेशली अमृतसर ब्लास्ट हुए सीगे उनू बंदे ने रखदे, दूजा इलेक्शन है, कल इलेक्शन हैगी है जलंधर दी, ता उनू बंदे ने रखदे हुए असी जेड़ा हैगा स्पेशल जेड़ा हैगा ये ऑपरेशन चलाए गए। इहदे च नाके भी है, सर्च ऑपरेशन भी हैगी है, जिदा कि असी कैसे दिन सिटी जीरा दा कीता हैगा, कल फ्लैग मार्च भी हैगा। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਮੂਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। आजकल जिस लिहाज से दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के रेट आसमान छूते जा रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से इनकी खरीद बाहर हो रही है, इसी को देखते हुए भारत विकास परिषद सुनाम द्वारा एक नई पहल करते हुए महर्षि चरक के नाम से एक मेडिसिन बैंक स्थापित किया गया है, जिसमें आम लोग घरों में पड़ी फालतू दवाइयां और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें व्हीलचेयर, बीपी ऑपरेट्स, ऑक्सीजन मीटर, मेडिकल बेड इसमें जमा करवा सकेंगे, जिससे ज़रूरतमंद लोग इस बैंक से इनको मुफ्त ले सकेंगे। इस दौरान एसडीएम सुनाम जसप्रीत सिंह ने अपने घर से पड़ी मेडिसिन को बैंक के लिए भेंट कर और प्रोजेक्ट के पोस्टर का अनावरण कर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
वही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सराहना की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के प्रधान भूषण कांसल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गोपाल शर्मा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। असी भारत विकास परिषद सुनाम वालों एक जो है मैडिकल बैंक बनाया गया वो मैडिकल जिहड़ियां अपने घरों के आम मैडिसन पईआं रहिंदियां नेगियां ते इक पईआं पईआं स्पेयर भी एक्सपायर भी हो जांदियां नेगियां। असी चाहुंदे हां वी वो एक जगह ते इकट्ठियां कीतियां जाण तां उहदा असी उपराला कीता हैगा भारत विकास परिषद वालों भी उहदे असी अलग अलग जगह ते सेंटर भी बनाए नेगे भी जिथे वह मैडिसन या मैडिकल दे नाल कोई इक्यूपमेंट ने जिहड़े मैडिसन दे उह अपने घर यूज़ नहीं हुंदे हैगे पए रहिंदे नेगे तां उह असी इक जगह ते कलैक्ट करके तां उह मैडिसन जिहड़ियां हैगियां इक असी सेंटर बनाया हैगा जिथे डॉक्टर की देखरेख दे विच उह मैडिसन दित्ती जाऊगी। जो मैडिकल इक्यूपमेंट नेगे वह असी एक उहदे वास्ते एक व्यवस्था की है जगह की तो उतों असी सानू अलग अलग नंबर से असी उसते पोस्टर राही जारी कर रहे हैं गैस डीम राही तो वह असी चाहवांगे भी वो जिसे किसी जरूरत हैगी तो उतों लै भी सकते हैं तो जे किसी को स्पेयर पे ने तो वह सानू दे भी सकते हैं। परिषद जी सुनाम इकाई है SUS इकाई है जी वो जे अज रिप्रजेंटेटिव उन्होंने प्रधान जी तो सारे शहर निवासी मेरे को आए हैं उन्होंने दसिया कि एक बैंक बना जा रहे हैं जिदे विच ओह जिहड़ियां घर विच बचियां होईयां मैडिसन्स जिहड़ियां कोई यूज़ नहीं हुंदियां किसे कारण करके पेशेंट ठीक हो जांदा है जां किसे होर कारण करके ज़्यादा मंगा लैंदे आ बच जांदियां ने जां जिहड़े इक्विपमेंट्स होर हुंदे ने जिवें किसे दा कोई व्हील चेयर हो गई कोई विसाखी हो गई क्लचिज हो गई कुछ होर जिहड़ियां चीज़ां घर बच जांदियां ने पेशेंट ठीक होण तों बाद वह सारियां इकट्ठियां करके उन्हां लोकां नूं देणियां जिन्हां नूं हुण उन्हां दी लोड़ है ते उह परचेज़ नहीं कर सकदे। निजी तौर पर मेरा मानना है कि बहुत अच्छा उपराला ये वो चीज़ है जिहड़ी खराब हो जानी है खत्म हो जानी है तो किसी के यूज़ में नहीं आनी मैड दवाई अजिही चीज़ है जो बंदा ठीक होंदा उस तो बाद उसकी यूज़ नहीं होंदी तो ये बड़ा अच्छा एक उपराला कर रहे हैं कि उन्हां घरां तो इकट्ठी करके उन्हां घरां विच देनी जिथे दी लोड़ है तो जिहड़े बेचारे वो नहीं परचेज़ कर पाउणगे उन्हां नूं दे रहे ने। मैं अपने वल्लों सारयां नूं जिहड़े भी इस उद्यम विच शामिल ने मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। कुराली के गांव सियालबा में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक समागम का आयोजन किया गया जिसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो कि अलग अलग गांवों से होती हुई गांव माचरी में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर राणा कुशल पाल, राणा जगदीप सिंह, छज्जू राणा, राणा सतीश कुमार, राणा सुखचैन सिंह, राणा महावीर सिंह, राणा गोपाल सिंह, राणा अमरपाल सहित गांव सियालबा और गांव माचरी के लोग भी मौजूद रहे। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। प्यार भरी राम राम जी ते महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन मनाया जा रहा पिंड फतेहपुर सियालबा तो पिंड माचरी इतने का साडा रोड शो है जी। महाराणा प्रताप वो सूरमा होया जिन्हें हिंद बचाया और याद अच यह सारा एकत्र हो रहा असी संदेश देना अपने हिंदू भाईचारे का सिख भाईचारे का भी सारे एक है इस इलाके। इस समय राणा जगदीप जी सरपंच माचरी बहुत खुशी का दिन है महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है लेकिन छोटे जे सदे से एक सिर्फ राजपूत बरादरी ही नहीं पूरा इलाका बहुत कुछ देख रहे हम हुमा गए जुड़िया पाए थे असं चाहते कि सा जो भाईचारा है ये साडा एका रहे तो ये सबूत थोड़े सामने दूरों भी पारों भी जिथे तो अपनी रैली लंघनी है उत्थों सानू मैसेज आ रहे हैं कोई कह रहा असी चाह करनी कोई कह रहा असी दुध करनी इतने राजपूत बरादरी की कोई गल नहीं है इतने आपसी भाईचारे की क्योंकि महाराणा प्रताप जी से यह इंसानियत वास्ते लड़े है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मिलकर फिरोजपुर शहर के जीरा गेट में शांतिपूर्वक ढंग से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संस्था के अग्रणी सदस्य अमित धवन व नरेश गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कर्नाटक में जो बयानबाजी कर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इससे खड़गे ने बजरंग दल की तुलना PFI संगठन से की है जो कि एक राष्ट्रीय विरोधी संगठन है जो कि बहुत निंदनीय है और उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए नहीं तो आगे चलकर संघर्ष को और तेज किया जा सकता है। इस अवसर पर सुनील शर्मा, विशाल गुप्ता, हरीश पाठक, अमित धवन, दिवांशु पाठक व सूरज मेहता ने उपस्थित रहकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जालंधर के जंडू सिंगा रोड पर स्थित TR एंजॉय वर्ल्ड चिलचिलाती गर्मी में लोगों को राहत और ठंडक प्रदान कर रहा है।
जिससे शहरवासियों में खुशी की लहर पाई जा रही है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि उन्हें यहां आकर काफी खुशी और राहत महसूस हो रही है, क्योंकि वह इस वाटर पार्क में डुबकियां लगाकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ अप एंड डाउन वाटर फ्लोटिंग ट्यूब भी लगी हुई है, जिसका वे खूब आनंद उठा रहे हैं। इस दौरान टीआर एंजॉय वर्ल्ड के मालिक अर्पित कपूर ने कहा कि इस वाटर पार्क में कई प्रकार के नए झूले, स्लाइडिंग जिनमें रोपवे, साइकिलिंग, वाटरफॉल, बास्केट शामिल हैं। वहीं यहां आने वाले स्कूल कॉलेजों के बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीआर एंजॉय वर्ल्ड वाटर पार्क महिलाओं के लिए भी काफी सुरक्षित है और यहाँ सिर्फ परिवार वाले लोग ही आ सकते हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। देखिए अपना वाटर थ्रिल एंड राइड के लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, जितने तुम देख सकते हो एड्डी ज़्यादा गर्मी है तो लोग चिल्ड क्रिस्टल वाटर के पूरा इंजॉय कर रहे हैं। अपने वाटर पार्क के इस बार बहुत कुछ नवी एडवेंचर्स दिया राइड्स एड की, जिमें कि जिपलाइन, जिप साइकिल, जूम बॉल वर्गिया चीज़ा, कई चीज़ा ने 500 लीटर्स की बकेट है, वाटर बकेट जी बहुत वधिया अल्टीमेट चीज़ है। तुम आओ तो इंजॉय करो। बाकी तो तुम अपने वाटर पार्क का सबनों ही पता है टीआर एंजॉय वर्ल्ड थ्रिल एंड राइड के नाम तो जाने जाता है। हुशियारपुर जो जाइए आप विलेज कंगनीवाल से आता लैफ्ट साइड मेन रोड से आता टीआर एंजॉय वर्ल्ड थ्रिल एंड राइड वाटर पार्क। तुम अपना फोन नंबर भी नोट करो 9646392525। सो तुम आओ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के नाल आओ, जरूर विजिट करो। थैंक यू। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कुछ छोड़ी बात है तुर जाए तरते आए सवाली माँ, तेरे तरते आए सवाली माँ, कुछ छोड़ी बात है तुर जाए तरते आए सवाली माँ। खाली मालकी रानी तेरे हथा विच दाती सब दिया तकदीरानी, तेरे हथा विच दाती सब दिया तकदीरानी। सुते नसीबानू भी आज मैं जगाना है, सुते नसीबानू भी आज मैं जगाना है। चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाना है, चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाना है। दिल वाली पालकी च तैनू मां बिठाना है, दिल वाली पालकी च तैनू मां बिठाना है। ओ चल मेरे नाल
ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने रामनगर कॉलोनी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, दो आरोपियों को किया काबू। सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला तेलिया में एक घर में गैस लीक होने से लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया हुई संपन्न, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने मत का किया प्रयोग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।